जोधपुर में रक्षाबंधन पर एक सड़क हादसा, तीन जिंदगियां इसमें लीन हो गई। हादसा विश्रामपुर थाना क्षेत्र के रामनगर में हुआ है, जहां पर तेज रफ्तार दो बाइक की आपस में भिड़ंत हो गई। दोनों बाइक की टक्कर में तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और तीन लोग घायल हो गए हैं। घायलों में एक की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसे अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा दिया गया है। मृतकों में बच्चे भी शामिल हैं। रक्षाबंधन के दिन हुए हादसे में सुहागपुर गांव में मातम पसर गया। फिलहाल विश्रामपुर पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। इंदौर के तेजाजी नगर पुलिस ने 50,000 रुपए के 5 किलो गांजे के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार युवक राजेश मोरौंद गांव के पास दो बोरों में गांजा लेकर खड़ा था, जिसे पुलिस ने घेराबंदी करके पकड़ा है। पुलिस अवैध गांजे को लेकर आरोपी से पूछताछ कर रही है। अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करने हेतु लगातार निर्देश दिए जा रहे हैं। इन सभी निर्देशों के तारतम्य में हजार नगर सर्किल की पुलिस लगातार अवैध मादक पदार्थ बेचने वालों एवं सूचीबद्ध गुंडों और निगरानी बदमाशों के विरुद्ध लगातार प्रभावी कार्रवाई कर रही है। खबर भोपाल से, जहां दुर्ग की नन्ही साहित्यकार प्रेक्षा डॉन गौधा परी ने राम मंदिर निर्माण पर एक सुंदर कविता प्रस्तुत की है। प्रेक्षा ने राम मंदिर निर्माण को लेकर देश के नाम संदेश दिया है।